हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आ रहा हूँ एक मेडिकल कोडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। अगर आप मेडिकल कोडिंग में काम करते हैं, आपको पता है, तो आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी। अब अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री वर्सेस कैवेट मीन्स, आपको सोचना है कि अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री मीन्स व्हाट और कैवेट मीन्स व्हाट। तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उसका किस कंडीशन में आप उसको अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री कंसिडर करेंगे, ठीक है। मोस्टली आप ईडी प्रोफेशनल या ईएनएम के रिपोर्ट में देखेंगे कि अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री मीन्स, आपको पता है कि अगर आपको प्रोफेशनल या फिर ईडी में आपको लेवल देना है तो आपको इसके काउंट मिलने चाहिए, एचपीआई काउंट, आरओएस काउंट, पीएफएसएस काउंट। और लेवल देने के लिए आपको पता है कि कंपोनेंट्स कौन से है, या तो हिस्ट्री है, पीई है, एमडीएम है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री वे असाइन द लेवल, ENM लेवल और ED लेवल also। तो आपको जब मैं आपको अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री मीन्स सिर्फ हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो HPI, ROS एंड PFSH इनके अगर आपको काउंट मिलेंगे, प्रॉपर काउंट जो रिक्वायर्ड है, और लेवल हाई रिस्क कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, मिनिमल और लो, ये टाइप के कंडीशन जाते हैं, तो आपको उसके अंदर एज पर गाइडलाइन कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स उसमें काउंट मिलने चाहिए। तो HPI काउंट, ROS काउंट, मैक्सिमम काउंट तो आपको पता ही रहेगा कि मैक्सिमम HPI के 4 काउंट होते हैं, ROS के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं 10+10, ओके, PFSH के 2-3। तो इस कंडीशन में अगर आपका पेशेंट है अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री है, मतलब अनऑप्टेनेबल मीन्स पेशेंट हु कैन नॉट प्रोवाइड हिस्ट्री एंड रीजन इज डॉक्यूमेंटेड बाय द फिजिशियन, मतलब फिजिशियन ने उसके ऊपर मतलब इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट किया, अगर वो ईडी में आए तो ईडी में उसको देखा है, तो अगर प्रोवाइडर लिख रहा है कि द पेशेंट हु कैन नॉट प्रोवाइड हिस्ट्री, मतलब वो एबल नहीं है हिस्ट्री प्रोवाइड करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप उसको अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट टू डाउन कोड द ENM लेवल ड्यू टू हिस्ट्री, ओके, मतलब आपको पहले तो एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल ऑफ अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री इंक्लूड पेशेंट हुआ है, अगर पेशेंट कंफ्यूज है, एफेसिक है, डिमेंटेड है, प्योर हिस्टोरियन है, पुअर हिस्टोरियन और हेलुसिनेटिंग है, और इसके पैरेलल आपको और भी एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन इस कंडीशन में अगर पेशेंट आपका डिमेंटेड है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस कंडीशन में आप उसको डाउन कोड मत करो इन ENM। अगर आपका लेवल हाई रिस्क कंडीशन है, सब कुछ आपने देखा कि हाई रिस्क कंडीशन, वो पेशेंट की कंडीशन हाई रिस्क है और आपका लेवल हाई रिस्क ही जाता है, लेकिन आपको ROS और HPI, PFSS इसके काउंट प्रॉपर नहीं मिल रहे, जितना रिक्वायर्ड है उतने नहीं मिल रहे, तो आप उसको डाउन कोड करेंगे, तो ये तो ठीक है, डाउन कोड तो करना, ये तो रूल ही है, लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि वो पेशेंट अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री तो नहीं है। अगर वो डिमेंटेड है और पेशेंट प्रोवाइडर लिख रहा है कि वो नॉट एबल टू प्रोवाइड हिस्ट्री, मीन्स उसको कंसिडर करो अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री। और मोस्ट ऑफ टाइम तो डॉक्टर ही देता है रिपोर्ट के अंदर कि पुअर हिस्टोरियन, अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री, उस टाइम पे हिस्ट्री आपको कंप्लीट कंसिडर कर लो, मीन्स ओनली हिस्ट्री की वजह से आप उसको डाउन कोड मत करो। यहाँ पे लिखा है कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल ENM लेवल नॉट जस्ट लेवल 5, मतलब सिर्फ लेवल 5 उसकी कंडीशन है, उसका लेवल 5 जा रहा है लेकिन वो अनऑप्टेनेबल है, तो आप उसको लेवल 5 सिर्फ इन केस ऑफ सिर्फ उसको लेवल 5 के कंडीशन में कंसिडर मत करो। अगर वो लेवल मॉडरेट है लेकिन हिस्ट्री की वजह से वो लो या फिर मिनिमल जाता है, तो आप उसको डाउन मत करो, आप उसको मॉडरेट ही कंसिडर करो, क्यों, कि आपका पेशेंट अनऑप्टेनेबल हिस्ट्री है। तो अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैवेट के बारे में, रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड फॉर साइन और डिस्कशन दैट इंडिकेट द अर्जेंसी ऑफ पेशेंट कंडीशन इंटरफेयर विद द फिजिशियन एबिलिटी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड की इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्कशन और एग्जामिनेशन, मीन्स वो कुछ जो रिक्वायर्ड चीज होता है डिस्कशन और एग्जामिनेशन, वो नहीं एबल कर पाता, वो फिजिशियन को नहीं मिल पाते कि क्या उसकी कंडीशन है प्रॉपर, उसके साइन और सिम्टम और डिस्कशन, आफ्टर डिस्कशन ही इज नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दिस इज द कैवियट।
एंड दिस इज अनऑब्टेनेबल हिस्ट्री। और इस कंडीशन में सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान दो कि आप डाउन कोड मत करो, क्योंकि डाउन कोड करेंगे तो लेवल गलत हो सकती है। ओके, ईएनएम और ईडी के केस में ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल गाइडलाइन है, तो इसको ध्यान में रख कर ही आप लेवल डिसाइड करो। तो ये था मेरा आज ऑब्टेनेबल हिस्ट्री एंड कैवेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मेडिकल कोडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफायर के ऊपर भी लेने वाला हूँ, ईडी प्रोफेशनल के ऊपर भी लेने वाला हूँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर ही लेने वाला हूँ। तो मेरे पास इतने अच्छे चीज़ें नहीं है, कैमरा ये वो, तो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड दे सकती सर्विस दे सकता हूँ। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ नोट्स चाहिए रहेंगे तो मैं आपको बाय मेल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू एंड फॉलो मेडिकल ट्यूबमेट चैनल। थैंक यू सो मच।